नमस्कार किसान भाइयों, किसान भाइयों, मैं आपको आज कृपान जो कि कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी की है, इस दवा के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये किस काम में आती है और कितनी इसकी मात्रा होती है डालनी चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ये आती है। इसे जो मैन्युफैक्चर करती है उस कंपनी का नाम कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कृपान इसका नाम है। किसान भाइयों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कृषि रसायन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो कृपान आता है, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ही एक अच्छी दवा है होती है। जिन पौधों की बढ़वार रुक गई है या पौधे बौने हो रहे हैं किसी कारणवश, उनके वृद्धि विकास में दिक्कत हो रही है, उनका ढंग से बढ़वार नहीं हो पा रही है, पत्तियां छोटी हो जा रही हैं, तो ऐसी यदि आपकी फसलों में ऐसी समस्या है तो आप कृषि रसायन का जो कृपान है, जो कि एथफोन, इसमें एथफोन 39% SL पाया जाता है। इसका 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल बनाकर खड़ी फसल पर छिड़काव करने से आपके पौधे की वृद्धि विकास बढ़ने लगती है, और इसके साथ साथ यदि पौधे का विकास होगा तो आपके पौधे या आपके फसलें जो भी लगी हुई हैं उनमें आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। इस दवा का प्रयोग आप सभी फसलों में कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, ये दवा जो कि कृषि रसायन कंपनी की आती है, कृषि रसायन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कृपान के नाम से, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी पौधे की वृद्धि वर्धक के साथ साथ इसका उपयोग आप फल पकाने में भी कर सकते हैं। अधिकतर आप देखते होंगे कि आपके फसलों में या आपके जो फल वाले पौधे हैं, जैसे कि केला है, उसके बाद अमरूद है, आपका आम है, या अन्य कोई ऐसी फसलें हैं जो कि आपको इस मंडी में रेट अच्छा मिल रहा हो और आपकी फसलों में जो है फल अच्छे आए हुए हों लेकिन पकने में उनको देर लग रही हो, तो आप इन कुछ फलों को आप तोड़कर और उसे 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से किसी बर्तन में घोल बनाकर और उसी में उस फल को डुबोकर कहीं एक जगह पर आप ऐसी जगह पर रख देते हैं, नमी वाले जगह पर, जहां पर कि कोई आपको नुकसान न पहुंचे किसी भी प्रकार का, वहीं पर रखकर और उसको बोरे से ढक दिया जाता है, और ढकने के पश्चात आप देखते हैं दूसरे दिन तीसरे दिन फल में कलर आने लगता है। किसान भाइयों, ये दवा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के साथ साथ जिसका नाम कृपान है, जो कि कृषि रसायन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आती है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के साथ साथ ये एक फल पकाने की दवा भी आप हिंदी भाषा में कह सकते हैं। एथिफोन 39% SL 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका घोल बनाकर किसी बर्तन में रख दें और जिस फसल को आपको पकाना है, जिस फसल के फल को आपको पकाना है, वह फल आप इसी पानी घोले हुए दवा में पानी में आप डुबोकर रख दें, डुबोकर निकाल लें और निकालने के बाद एक स्थान पर एकत्रित करके रख दें और उसको बोरे से ढक दें, या जो जूट का बोरा आता है उसी से आप ढक दीजिए, और ढकने के आप 3 दिन 4 दिन पश्चात देखेंगे कि उसमें कलर आ गया है। किसान भाइयों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद किसान भाई।